नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस पर आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ विजेंद्र विजय। आज हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण मुद्दे की। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर सियासी बयानबाजी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के द्वारा आरक्षण संशोधन विधेयक पास किए जाने के बाद भी इसे लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। विधानसभा से आरक्षण संशोधन विधेयक पास होने के बाद अब इंतजार है इस पर प्रदेश के राज्यपाल के हस्ताक्षर का, जिसके बाद ये कानून का रूप ले लेगा। लेकिन नेताओं में इतना सब्र नहीं है कि वो राज्यपाल के निर्णय का इंतजार करें। यही वजह है कि प्रदेश में अब भी आरक्षण पर रार जारी है। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के द्वारा आरक्षण पर संशोधन विधेयक पेश करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था। दो दिन के इस सत्र में पक्ष विपक्ष के बीच हुई लंबी चर्चा के बाद इसे 2 दिसंबर को सदन द्वारा सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया था। इसके बाद बारी थी इस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर की, जिसका अभी भी इंतजार है। बताया जा रहा है कि राज्यपाल इस पर विशेषज्ञों से विधिक राय ले रही हैं, लेकिन इन 5 दिनों से चले आ रहे इंतजार के बीच कहीं न कहीं नेताओं का सब्र टूटता दिखाई दे रहा है और ये जाहिर हो रहा है कि उनके बयानों से बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने इसी मामले में मंत्री कवासी लखमा से इस्तीफे की मांग कर ली है। केदार कश्यप ने कहा कि मंत्री कवासी लखमा ने दावा करते हुए कहा था कि अगर 2 दिसंबर को आरक्षण लागू नहीं होता है तब वे इस्तीफा दे देंगे। केदार कश्यप ने कहा कि लखमा अगर सच में आदिवासियों के हितैषी हैं तब वे पद से इस्तीफा दे दें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अभी तक आरक्षण लागू नहीं कर पाई है और प्रदेश में अभी आरक्षण की स्थिति शून्य हो चुकी है। वहीं बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता और पूर्व कैबिनेट मंत्री अजय चंद्राकर ने राज्यपाल के हस्ताक्षर में हो रहे विलंब पर कहा कि राजभवन का उद्देश्य पवित्र है, आगे चलकर कोई संकट न आ जाए, इसलिए इस पर गंभीरता दिखाई जा रही है। उन्होंने कहा कि जबकि इस पर कांग्रेस का उद्देश्य राजनीतिक था, वे भानुप्रतापपुर उपचुनाव को सामने देखकर आरक्षण लेकर आए थे। उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही थी कि यदि वो आरक्षण लागू नहीं कर पाए 2 तारीख तक तो वो इस्तीफा दे देंगे, वो अपने सारे पदों से इस्तीफा दे देंगे और राजनीति से संन्यास ले लेंगे। आज 6 तारीख हो रहा है, 6 तारीख के होने के बावजूद भी आज राज्य सरकार आरक्षण यहाँ पर लागू नहीं कर पाई। आज आरक्षण की स्थिति पूरे प्रदेश में शून्य हो चुकी है। राजभवन का उद्देश्य पवित्र है कि टिके, अदालत में या कहीं पर भी कोई आपत्ति हो तो। सरकार और श्री भूपेश बघेल जी का उद्देश्य था राजनीतिक कि मुझको अभी 5 दिसंबर को मतदान होना है, उससे पहले लाना और इसमें राजनीति करनी, तो अपवित्र उद्देश्य और पवित्र उद्देश्य में अंतर होता। वहीं प्रदेश के आबकारी और उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने केदार कश्यप के बयान पर जमकर पलटवार किया है। कवासी लखमा ने कहा कि मैं अपनी बात पर कायम हूँ, मुझे इस्तीफा देने में कोई शर्म नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर केदार कश्यप ने थोड़ी भी शर्म है तो वह राजनीति छोड़ दें, क्योंकि हमने जो वादा किया था वे कर दिखाया है। हमने 2 दिसंबर को विधानसभा से आरक्षण संशोधन विधेयक पास करने की बात कही थी और वे किया भी। अब ये विधेयक राज्यपाल के पास है जिस पर उन्हें अपना निर्णय लेना है। कवासी लखमा ने केदार कश्यप को चैलेंज करते हुए कहा कि अब बारी आपकी है और आप करके दिखाएं, नहीं तो बस्तर छोड़ दें, मैं भी छोड़ दूंगा। वही कवासी लखमा ने कहा कि राज्यपाल महिला है और महिलाएं बहुत समझदार होती हैं। किसी का कितना भी दबाव आए महिलाएं ठान लेती हैं तो जरूर करती हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि वह हस्ताक्षर जरूर करेंगी। वहीं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि महामहिम ने कहा था कि विशेष सत्र बुलाकर आरक्षण पर कानून बनना चाहिए। प्रदेश के हजारों युवाओं के भविष्य का सवाल है, उम्मीद है कि बहुत जल्द ही महामहिम इस पर हस्ताक्षर करेंगी। गौरतलब है कि विधानसभा के द्वारा पारित किए गए आरक्षण संशोधन विधेयक में अनुसूचित जनजाति को 32%, अनुसूचित जाति को 13%, पिछड़ा वर्ग को 27% और ईओडब्ल्यू को 4% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। मैं आज भी कायम हूँ केदार कश्यप जी, अगर माँ का आदिवासी का दूध पिया है, कवासी लखमा भी माँ का दूध पिया है, मैं 2 तारीख को
एक और दो तारीख को विधानसभा में पास करूंगा आरक्षण, पास किया हिंदुस्तान ही दुनिया दिख रहा है। तो अभी तुम्हारा पारी है, करके देखो, नहीं तो बस्तर छोड़ दो, अब मैं भी छोड़ दूंगा। महामहिम ने स्वयं कहा था कि विशेष सत्र बुला करके आरक्षण के पक्ष में कानून बनना चाहिए। उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था कि जैसे ही बिल उनके पास आएगा तत्काल उसकी अनुमति वो जारी करेंगे, और उस स्टेटमेंट के आधार पे हमने महामहिम से तत्काल अनुमति जारी करने के लिए जिस दिन हमारा विधेयक पारित हुआ उसी दिन पांच मंत्रियों सहित प्रशासनिक अधिकारी ले जा करके जो विधानसभा की कार्यवाही है उसको माननीय महामहिम को हमने अवगत कराया था। उम्मीद करते थे कि बहुत जल्दी हस्ताक्षर हो जाएगा। कुल मिलाकर हालात ये है कि आरक्षण संशोधन विधेयक विधानसभा से सर्वसम्मति से पास होने के बाद भी इस पर सियासी बयानबाजी और आरोपों प्रत्यारोपों का दौर जारी है। वही बताया जा रहा है कि राज्यपाल अनुसुईया उइके इस विधेयक पर हस्ताक्षर के पूर्व विधि विशेषज्ञों से उनकी राय ले रही हैं। फिर ऐसे में राजनीतिक दलों और उनके नेताओं को जरूरत है धैर्य की। विशेषज्ञों की भी यही राय है कि इस विधेयक पर राज्यपाल के अंतिम फैसले का इंतजार किया जाना चाहिए। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमानों का पैनल होगा। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ नितिन भंसाली जी हैं, बीजेपी से हमारे साथ पूर्व विधायक विमल चोपड़ा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल मेरा भंसाली जी आपसे, लागू करने में और बिल पास होने में अंतर होता है ये बीजेपी कह रही है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, किसकी वजह से ये चीजें हुई और किनकी नियत में खोट थी ये तो सर्वविदित है। कांग्रेस ने इस विषय पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया, दो दिन के विशेष सत्र में इस पर चर्चा हुई और सर्वसम्मति से ये विधेयक पारित हुआ। पास होने के बाद ये विधि सम्मत माननीय राज्यपाल महोदया के पास गया। हमारे पांच वरिष्ठ मंत्री अधिकारियों की टीम के साथ तुरंत विधानसभा से निकलकर गवर्नर मैडम के पास गए और उनको जो विधानसभा की जो कार्रवाई थी विधेयक के संबंधित वो उनको सौंपी और उनका अवगत कराया और हस्ताक्षर करने का उस पर निवेदन किया। चूंकि गवर्नर मैडम ने खुद कहा था, महामहिम मैडम ने, कि आप इस पर विशेष सत्र बुलाइए और आप इसको विधानसभा में पास करवाइए इस विधेयक को, मैं आपके साथ हूं और मैं इस पर तत्काल हस्ताक्षर करूंगी। देखिए विधि सम्मत वो कुछ विधि विशेषज्ञों से इस पर राय लेनी है और हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द हस्ताक्षर वो करेंगी और ये विधेयक कानून बनेगा और इस प्रदेश में आरक्षण लाभार्थियों को इसके अनुरूप बिल्कुल लाभ मिलेगा। जी हमारे साथ पूर्व विधायक हैं बीजेपी से विमल चोपड़ा जी। चोपड़ा जी, आपकी पार्टी क्या सब्र नहीं रख सकती है? जब बिल पारित हो गया है तो उस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर भी हो ही जाएंगे, तो हमारी पार्टी क्या बोल रही है? राज्यपाल के पास गई है, ये तो ऐसा हो गया चोरी और सीना जोड़ी। जिन लोगों ने दो से तीन महीना विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए लगा दिया वो लोग कह रहे कि चार दिन में पहाड़ खोद लो, पहाड़ उठा लो करके, पहाड़ टूट गया। किस तरह अभी खुद जो है कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि राज्यपाल मैडम जो है विधि विशेषज्ञों की राय ले रही है और वो ये सुनिश्चित करना चाहती है कि हाईकोर्ट में जाकर के सुप्रीम कोर्ट में जाकर के किसी प्रकार का अड़ंगा नहीं आना चाहिए। ये सरकार जिस प्रकार से विधानसभा के उपचुनाव को देख करके हाथ पैर मार रही है, बिना तैयारी के जो है विधेयक ला रही है और हाईकोर्ट में जाकर के फिर ये इससे हो जाएगा, तो इस बात को राज्यपाल महोदय सुनिश्चित करना चाहती है कि दो दिन भले देरी हो जाए लेकिन किसी प्रकार से स्टे नहीं आना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लोग हों, अनुसूचित जाति के लोग हों, पिछड़ा वर्ग के लोग हों, उनको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बार कांग्रेस की हड़बड़ी के कारण जो है ये वर्ग भुगत चुका है और ये हो चुका है। विमल भैया, दूसरी बात, मैं आपको एक मिनट आपको मौका मिलेगा, आप लोगों को होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि हमने विधेयक पास करके गवर्नर मैडम के पास भेज दिया, अब आप लोगों को सब्र करना है। आप ही लोगों की तरफ से बयानबाजी हो रही है, हम तो कुछ नहीं कह रहे। सुन लीजिए, सुन लो थोड़ा सा भाई साहब, थोड़ा सा धैर्य रखो। आज क्या स्थिति कांग्रेस की हो रही पूरे देश में ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, वो किस कारण से हो रही है ये भी बोलने की जरूरत नहीं है।
आप ये जानिए कि विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने पूरा सहयोग दिया और कहा कि ये बिल पारित होना चाहिए करके, लेकिन कांग्रेस के लोग जो हैं सिर्फ विधानसभा चुनाव को लड़ाई है विधानसभा में आप लोगों ने विधेयक पारित न हो इसके लिए खूब प्रयास किए, पर संख्या बल आपका कम था इसलिए आप जीत नहीं। अरे अरे थोड़ा सा तर्क संगत बात करो भाई, क्या विरोध किया वहाँ पे विधानसभा में, क्या रोकने की कोशिश की, कुछ है आपके पास उसका तथ्य? तो चिल्ला भारतीय जनता पार्टी ने जब विधेयक तो सर्वसम्मति से आप लोगों को बहस करने की क्या जरूरत थी? अरे बहस तो वो कर विधानसभा का सत्र काहे के लिए होता है, क्या मुक्का बैठने के लिए होता है कि क्यों मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे उसमें, क्यों मंत्री बोल रहे थे? नहीं नहीं उनको वहाँ बैठ पर जिस प्रकार आप लोगों का रवैया था वहाँ पर, जिन पर आपके वो गिने चुने 14 विधायकों का जो रवैया था उससे तो ये साफ हो रहा था आप लोग चाहते ही नहीं। क्या रवैया विधेयक पारित? क्या रवैया? अरे क्या रवैया था बताइए, किसने विरोध किया? विधानसभा की कार्यवाही उठाकर देखिए, आप तो पूर्व विधायक रह चुके हैं, इतनी चिल्ला चिल्ली करने की तो आवश्यकता नहीं थी वहाँ पर, जब सारी चीजें क्लियर थी, जब न्याय संगत सब कुछ हो रहा था, दो दिन का करना था उसमें कुछ। अरे कोई तथ्य है कि किसी ने विरोध किया? बस विरोध किया विरोध किया विरोध किया क्या? अरे कोई तथ्य है एक तो बताइए कि किसी विधायक ने विरोध किया इसका? उसमें चर्चा ये हो रही है कि आप जो है ऐसा तगड़ा लाएंगे कि कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं किया जाए। आपने 4% कर दिया है जो अगले वर्ग का ईडब्ल्यूएफ, आप लोगों को जैसा नहीं लाएंगे, आप लोगों ने जैसा वो बिल्कुल लगड़ा विधेयक लाया था जो कि कोर्ट से ध्वस्त हो गया, ऐसा नहीं लाएंगे। अरे हम लोगों ने विधेयक नहीं लाया है और विधेयक नहीं लाया, हस्ताक्षर करेंगे और अच्छा लाभार्थी विधेयक नहीं लाया आप मिलेगा। विधेयक ये जो है 4 साल तक आपकी सरकार थी, कोर्ट में आप कुछ नहीं कर पाए। ठीक है विमल जी, इसमें पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए बाबूलाल शर्मा जी को मैं चर्चा में लाना चाहूंगा। शर्मा जी क्यों वक्त लग रहा है? राज्यपाल ने खुद बोला था कि सत्र बुलाया जाए फिर मैं हस्ताक्षर करूंगी, देरी हो रही है, उससे कई सारे काम अटक रहे हैं लोगों के, लोगों का एडमिशन नहीं हो पा रहा है कॉलेजों में, भर्तियां नहीं हो पा रही है, तो राज्यपाल को भी थोड़ी जल्दी करनी चाहिए। देखिए निश्चित रूप से आपने सही प्रश्न उठाया है कि अब राज्यपाल के विवेक पर निर्भर हो गया है विधेयक, जबकि उन्होंने ही पत्र लिख करके 5वीं अनुसूची के मुखिया के नाते एक पत्र लिखा कि आदिवासियों का ये आरक्षण जो अटक गया है इसको आप तत्काल विधानसभा के स्पेशल विशेष सत्र बुला करके पारित कराइए और मैं रात को ही हस्ताक्षर कर दूंगी, यहाँ तक उन्होंने कहा जी। तो उसके बाद जो है ये अटका है, मतलब मुझे जो समझ में आया है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि विधानसभा में जब ये मामला आया तो विपक्ष ने कुछ तकनीकी अड़चने बताई कि भाई इन तकनीकी अड़चनों से ये विधेयक रुक न जाए, हम पूरा समर्थन करते हैं, उन्होंने कहा बार बार कहा, हर वक्ता ने कहा हम समर्थन करते हुए ये बात बताना चाहते हैं कि ये जो है तकनीकी कारणों से कहीं कल को गड़बड़ न हो जाए, उन्होंने रोकने का पूरा प्रयास किया। ये बात भी सच है कि इस विधेयक को वो लंबित करना चाहते थे, उन्होंने तीन बातें बताई उन्होंने जी। पहले तो उन्होंने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आप लेके गए हैं, पेंडिंग है वहां पर, तो इसमें चर्चा कैसे हो सकती है, आपका किताब देख लीजिए, नियम प्रक्रिया की किताब देखिए। दूसरा उन्होंने कहा कि उपचुनाव में प्रभाव डालेगा ये निर्णय, इसलिए चुनाव आयोग से इसके बारे में सलाह ले ली जाए, दो बातें कही गई ताकि ये मामला टल जाए अभी न पास हो 5 तारीख के पहले। और उसके बाद लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि भाई 9 तारीख को हम चर्चा करने को तैयार हैं। तो यहाँ पर प्रश्न ये पैदा हो गया, सुप्रीम कोर्ट में जब पेंडिंग है कह के चर्चा नहीं हो सकती एक तरफ बोलते हैं, दूसरी तरफ बोलते हैं 9 तारीख को चर्चा करने को तैयार है, तो लोगों की समझ ये बनी और कांग्रेस की समझ ये बनी सरकार की कि ये लोग टालना चाहते हैं 5 तारीख के बाद तक के लिए। तो ये परेशानी एक आई और यही जो कारण तकनीकी बताए गए वो राज्यपाल के सामने एक चर्चा विचार का विषय बन गया और इसीलिए उन्होंने जो है उस दिन रात को हस्ताक्षर करने से मना करते हुए विधि विशेषज्ञ से सलाह लेने की बात की और बताया कि विधि विशेषज्ञ छुट्टी पर है और कल और परसों छुट्टी है, सोमवार को मैं दस्तखत कर दूंगी, लेकिन सोमवार को भी शायद उनको सलाह सही ढंग से नहीं मिल पाई या कोई राजनीतिक कारण बन गया, कोई बात बन गई, इसकी वजह से वो अभी साइन नहीं कर रही है। मुझे लगता है पूरी तस्दीक करने के बाद वो साइन कर देंगी। कवासी लखमा ने बिल्कुल सही कहा है, उन्होंने कहा है ना कि मातृशक्ति है, मातृशक्ति यदि ठान ले और 5वीं अनुसूची के तहत वो मुखिया भी है आदिवासियों की, तो उस मातृशक्ति अगर ठान लेगी तो निश्चित रूप से वो किसी के दबाव में नहीं है। मेरा
ठीक है भंसाली जी, बीजेपी का सीधा सीधा आरोप यह है कि आप 58% तो संभाल नहीं पाए, अब यहाँ आपने 70% से ज्यादा कर दिया आरक्षण, क्या ये कोर्ट में टिक पाएगा? 100% टिकेगा, हमारी नियत है देने की, इनकी तो नियत में खोट था। कोई भी मकान बनता है तो आप ये देखिए विजेंद्र जी, यदि मकान की या उस बिल्डिंग की नींव कमजोर हो तो वो मकान ऊपर में मजबूती से खड़ा नहीं होता, कभी भी गिरने की संभावना रहती है। तो ये नींव ही कमजोर डाली थी जब ये 2012 में जब ये कानून इनका जो है आरक्षण पास हुआ, और उसके बाद जब 21 याचिकाएं लगी कोर्ट में, तब लगातार 6 साल तक के कोर्ट और राज्य सरकार के बीच में लगातार पत्राचार करस्पॉन्डेंस चलता रहा। बिल्कुल सही ढंग से इन लोगों ने पक्ष नहीं रखा। ननकी राम कंवर की समिति की जो रिपोर्ट थी वो नहीं दी, चीफ सेक्रेटरी की जो रिपोर्ट मांगी गई थी समिति की वो वहां पे प्रस्तुत नहीं की गई, एफिडेविट गलत ढंग से प्रस्तुत किए गए। कोर्ट ने पूछा कि किस आधार पे कर रहे, तो जनसंख्या का आधार भी ये वहां पर प्रस्तुत नहीं कर पाए। इनकी कमियों की वजह से ये जो है आरक्षण जो है कोर्ट ने वहां से रिजेक्ट किया, और हमारी नियत अच्छी है, इस वजह से तत्काल इस विषय पर विधानसभा का सत्र बुलाया गया और सर्वसम्मति से ये विधेयक पास करके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सारे लोगों के सारे वर्गों का ध्यान में रख के ये विधेयक को विधानसभा से पास करके गवर्नर मैडम के पास भेजा गया। मैं पूछना चाहता हूं, ये कह रहे थे कि सब्र वाली बात जो हो रही थी, तो मैं ये पूछना चाहता हूं इनके केदार कश्यप जो पूर्व मंत्री जो है वह भाजपा के प्रवक्ता, ये कह रहे लगातार कि कवासी लखमा इसमें इस्तीफा दे दे, तो कवासी लखमा क्यों इस्तीफा देंगे? कवासी लखमा ने जो कहा था वो तो हो गया, 2 तारीख को कांग्रेस ने तो अपना काम कर दिया। आप जो निर्णय लेना है, हस्ताक्षर जो करना है, निश्चित तौर पर गवर्नर मैडम करेंगी, वो उनको करना है। तो भाजपा में सब्र नहीं है, और केदार कश्यप को जैसा कि कवासी लखमा जी ने कहा कि भाई तुम बस पर छोड़ दो, राजनीति से संन्यास ले लो, क्योंकि अब तुम्हारी बारी है। तो हमने हमारा काम कर दिया, कांग्रेस ने अपना काम कर दिया, और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी संपूर्ण उम्मीद है, क्योंकि गवर्नर मैडम ने खुद कहा था कि आप इस संबंध में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाइए, विधेयक पास करिए और मेरे पास भेजिए, मैं हस्ताक्षर करूंगी। निश्चित तौर पर वो सारी चीजों को देखकर मुझे पूरी उम्मीद नहीं पर पूरा विश्वास है वो जल्दी इस पर हस्ताक्षर करेंगी और ये जो है कानून के रूप में पारित होगा और आरक्षण लाभार्थियों को इस प्रदेश में उनका हक मिलेगा और लाभ पहुंचेगा। ठीक है विमल जी, कांग्रेस पार्टी सीधे सीधे कह रही है कि आप लोगों ने जो नींव है वही कमजोर डाली थी, इसलिए ये सारी परेशानी आ रही है आदिवासियों के सामने। अरे देखिए साहब, मान लीजिए नींव कमजोर डाली तो 4 साल से ये क्या कर रहे थे? उस नींव को मजबूत नहीं कर सकते थे? कोई 2 दिन 4 दिन का समय नहीं था कि 6 दिन का समय नहीं था? अरे बहुत कम, 4 साल का समय था। इनकी नियत नहीं है, और आप देखिए आज 3 महीना लगभग हो गया है, उसके बाद एक चीज तो विमल चोपड़ा जी ने मान ली कि नींव कमजोर थी, नींव कमजोर थी, आपने खुद एक्सेप्ट किया, लाइव चैनल में आपके खुद मान रहे हैं कि नींव कमजोर थी। अब मुझे बताइए, नींव कमजोर होगी तो उस पर बिल्डिंग कैसे टिकेगी? अरे सुन लो थोड़ा, एक बकबक करने की आदत बंद करना चाहिए भंसाली जी, थोड़ा सा एक अच्छे, यदि आप डिबेटर हो बकबक नहीं कर रहे, इसमें बात कर रहे हैं आरक्षण लाभार्थियों। सुन लो, मैं आप न्यू कमजोर मान रहे हैं तो 4 साल क्या कर रहे थे? मुझे आपसे सीखने की जरूरत है। आप जो मान रहे हैं कि न्यू कमजोर थी, और 32% किसने दिया? कांग्रेस ने नहीं, भाजपा ने दिया, और जिसने कोर्ट में लगाया इस प्रकरण को उसको आपने पुरस्कृत किया, आपने उसको आयोग का अध्यक्ष बनाया। आपकी नियत क्या थी ये जानते हैं कि आपने एक तरफ उससे कोर्ट में लगाया कि इसको लगाओ कि ये आदिवासियों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, और आपने उसको कैंसिल कराया। दूसरी बात आपको बता दूं, कवासी लखमा ने कहा था कि 2 तारीख को हम आरक्षण लागू कर देंगे। क्या उन्होंने राज्यपाल मैडम को अपना बंधक मान लिया था? जो बोलेंगे वो करेंगे राज्यपाल, ऐसा नहीं है, वो निश्चित करना चाहती है आप जो बोलेंगे वो करेंगे, तो वो ऐसा तो नहीं है। यही जो है ना, ये आदत जो आप डिबेट कर रहे हैं, आप कोई किसी सभा में टोका टोकी नहीं कर रहे हैं। विमल जी, नितिन जी बोल रहे हैं कि आप जो बोलेंगे वैसा राज्यपाल करेंगे, बीजेपी पर आरोप है सीधा सीधा।
राज्यपाल महोदय मैडम जो है यदि कवासी लगमा करके 2 तारीख को लागू हो जाएगा तो क्या समझ रहे हैं कि वो जैसा लिख के लाएंगे? अरे उसको वो निश्चित करना चाहती है कि कोर्ट में किसी प्रकार का अड़ंगा नहीं आना चाहिए। सुन लीजिए, आपकी क्या तैयारी है? जिस समय आपको विधेयक लाना था आपको सुप्रीम कोर्ट से, तो अच्छी बात है ना, आप लोग सब्र करिए, आपको याचिका, अरे विमल भैया ये तो अच्छी बात है ना, आप लोग सब्र करिए ना, वो अच्छे से देख कर समझ कर फाइल कर लेंगे। अरे यार थोड़ा सा जो है सुनने की आदत, ये जो है ना ऐसी बहसें नहीं होती, इस प्रकार से बकवास की बहसें करना ये बेकार है, थोड़ा समझना चाहिए। आपको यदि अध्यादेश लाना था तो आपको सुप्रीम कोर्ट से केस पहले वापस ले लेना था। ये स्थिति आप बनाते कि सुप्रीम कोर्ट में मामला नहीं है, अब आज तक आपने सुप्रीम कोर्ट से मामला वापस नहीं लिया है। आपकी मंशा क्या है कि एक तरफ आप सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, एक तरफ अध्यादेश लाते हैं, थोड़ा सा कानून का ज्ञान जो है वह आपको होना चाहिए कि किस प्रकार की परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट जो है काम करता है। विमल जी को तो ज्यादा ज्ञान है कानून, ठीक है विमल जी। बाबूलाल जी जो जिक्र कर रहे हैं विमल जी कि सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है, साथ में अध्यादेश भी आया है, अब हस्ताक्षर होने बाकी है, क्या आपको नहीं लगता कि लीगली बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है सरकार ने? मुझसे प्रश्न है जी बाबूलाल जी आपसे। नहीं, कॉम्प्लिकेटेड बना दिया नहीं है, ये तो एक सुधार करने का प्रयास था। कांग्रेस ने उपचुनाव के विचार से भी और आम चुनाव के विचार से भी इसको प्रस्तुत करके पारित करा दिया, तो अब पाले में गेंद राज्यपाल के, और राज्यपाल को ये माना जाता है केंद्र की प्रतिनिधि के रूप में, अब केंद्र में भाजपा की सरकार है तो राजनीति का विषय ही बन रहा है, और राज्यपाल के ऊपर में बाबूलाल जी क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, इसलिए भी डिले हो रहा है, इसलिए भी हस्ताक्षर करने में देरी हो रही है राज्यपाल की ओर से। देखिए उस पर विचार करने के लिए राज्यपाल जो है इसी विधि विशेषज्ञ से सलाह लेने के लिए बाध्य है, यही बात मैं आपको बताता हूँ, कहीं कोई गड़बड़ी न हो जाए। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि संविधान में इस बात की स्पष्ट व्याख्या है कि कोई भी अगर इससे ज्यादा 50% से ज्यादा वाली बात आती है तो वहां की परिस्थितियों के मुताबिक वहां के वर्गों की जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है सरकार के द्वारा। अब ये इन्होंने पारित करा दिया तो होगा क्या, मैं आपको बताता हूं, थोड़ा दो सेकंड मेरे को टाइम दीजिए। बिल्कुल, डॉक्टर रमन सिंह ने 2012 में 20% से 32% आदिवासी आरक्षण किया था और उसके खिलाफ लोग गए थे कोर्ट में जिसका फैसला ये आया। तो ये जिसने किया, भाजपा ने कोशिश नहीं किया, वर्तमान सरकार ने कोशिश नहीं की, ये अलग विषय है, लेकिन वो 32% का जो कोर्ट में केस चलते हुए भी उसका आरक्षण का लाभ लोगों को मिलता रहा जब तक कोर्ट ने उसका फैसला नहीं दिया कि 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसी तरह ये संविधान के मुताबिक वर्गों के आधार पे जो क्वांटिफाइबल डाटा का फिगर आया है उस अनुसार इन्होंने ये फिर से कर दिया है, बढ़ा दिया है। अब जो है ये बढ़ जाने के बाद में अगर राज्यपाल साइन कर देती है, भले ही कोर्ट में केस हो, उसी तरह से जो है आरक्षण लागू कर दिया जाएगा, मुझे जो समझ में आ रहा है, जैसे रमन सिंह के समय बढ़ाया गया था और लगातार चल रहा था और कोर्ट में भी केस चल रहा था, उसी तरह कोर्ट में भी केस चलता रहेगा और ये आरक्षण लागू हो जाएगा अगर राज्यपाल हस्ताक्षर कर देती है। कानूनी मेरी समझ में जो आ रहा है वो यही है। अब सवाल ये आता है कि भाई ये क्यों रुक रहा है, किस लिए रुक रहा है? तो वह रुकने का कारण जो है राज्यपाल, मुझे लगता है पूरा विधि विशेषज्ञ से पूरी सलाह, कोई प्रकार की बट किंतु परंतु न रह जाए, इसलिए जो है वो उनको थोड़ा सा विलंब हो रहा है, रोक रही है मैं नहीं बोलता, विलंब हो रहा है। और मुझे पक्का विश्वास, मुझे भी है व्यक्तिगत रूप से, कि वो जब उन्होंने खुद ही कहा है पत्र लिख करके कि पारित कराओ मैं साइन करूंगी, तो वो अपनी जबान से टलेंगी नहीं, वो महिला है और आदिवासी महिला है, आदिवासियों की संरक्षण। ठीक है सर, प्रदेश बंसाली जी क्या तो लगता है आपको, कल एक नतीजा आने वाला है जिसके लिए आपने ये विधेयक लेकर आया ऐसा बीजेपी का कहना है, अगर नतीजा आपके पक्ष में हुआ तो इसका मतलब आदिवासी आपके साथ है, अगर आपके पक्ष में नहीं हुआ तो ये माना जाएगा कि जो 32 से 20 फीसदी हुआ है उसका ठीकरा कांग्रेस के सर फूटेगा? भाई हम तो पाप धोने का काम किए हैं भारतीय जनता पार्टी के, करनिया इनकी थी, हमने तो ठीक करने का काम किया है। और कांग्रेस जो है वो वोट और नोट के लिए कभी राजनीति नहीं करती भाई साहब, कांग्रेस जो है सेवा के लिए राजनीति करती है। इनके आरएसएस चीफ जो है मोहन भागवत, उन्होंने तो ये कहा था कि पूरे देश से आरक्षण ही समाप्त कर देना चाहिए,
तो जब ये खुद आरक्षण के हित में ही नहीं है ये लोग और यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं और बैठकर टीवी चैनल में चिल्ला रहे हैं और अखबारों की सुर्खियों बने हुए हैं, तो इससे इनकी कसरियां करनी साफ साबित होती है। हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय गवर्नर मैडम इस पर बहुत जल्द हस्ताक्षर करेंगी और ये जो है कानून लागू होगा, आरक्षण लाभार्थियों को उनका अधिकार इस प्रदेश में मिलेगा, इसके लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध है। जी विमल जी, इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा यदि नितिन भंसाली जी ये बता दे मोहन भागवत जी ने कहा था कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए, और नहीं तो उनको राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। वो ले आए और दिखा दे कि मोहन भागवत जी ने कभी कहा। आप नहीं, मैं ले आऊंगा, आप प्रचार संन्यास का पत्र बना के रेडी रखे, मैं लेके आऊंगा। मुकाबला नहीं कर सकते, जब ये राजनीतिक मुकाबला कांग्रेस नहीं कर पाती तो इस प्रकार का झूठ फैलाने का काम कांग्रेस करती है। और आज आप देख लेंगे कल के चुनाव परिणाम पूरे देश के क्या होने वाले हैं, किस प्रकार की स्थिति कांग्रेस के होने वाली है। विमल जी, क्लोजिंग कमेंट की जरूरत है, हमें दरकार है, वक्त की कमी है। बाबूलाल जी, क्या देखते हैं आप, कल जो नतीजा आएगा भानु प्रतापपुर का, वो तय करेगा कि राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा? एक मिनट मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ बाबूलाल जी, बहुत 20 सेकंड में कंक्लूड कीजिए अपनी बात को, वक्त की कमी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कंक्लूड करता हूँ। देखिए, जब 25% आरक्षण के बाद कोर्ट गए, तो उस समय आरक्षण लागू होने के बाद कोर्ट में चल रहा था, कोर्ट ने स्टे नहीं दिया, इसलिए वो 32% आरक्षण लागू हुआ। लेकिन यहाँ जो है सरकार उस कोर्ट के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट गई है और सुप्रीम कोर्ट में केस चलते चलते अध्यादेश लाएगा, इसलिए कांग्रेस ने सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए, जबकि कांग्रेस को यह करना था कि पहले सुप्रीम कोर्ट से प्रकरण वापस लेना था और फिर अध्यादेश लाना था, तब जो है इसका कॉम्प्लिकेशन समाप्त होता। लेकिन जल्दबाजी में सिर्फ भानु प्रतापपुर के उपचुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने यह फैसला लिया कि जो होगा होगा, हमको सिर्फ वोट की राजनीति करनी है, इसलिए बाबूलाल जी आखिरी कमेंट आपकी ओर से, कैसे देखते हैं कल रिजल्ट आने वाला है बाय इलेक्शन का, उससे तय हो जाएगा कि आदिवासियों का रुझान किस पार्टी की ओर ज्यादा है? नहीं, जो विचार बनाए गए हैं वहां पर जो प्रोपेगंडा किया गया है उस अनुसार तो बिल्कुल आप सही करेंगे, वहां के रिजल्ट बता देंगे कि आदिवासी किसके साथ हैं। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि देखिए, ये आरक्षण तो राज्यपाल अगर साइन कर देंगे, और मुझे लगता है साइन कर देंगे, तो ये आरक्षण तो लागू हो जाएगा फिर से, और 27% ओबीसी भी लागू हो जाएगा। और इस दौरान में जो है, जब तक वो कोर्ट में केस चलता रहेगा, तो नवी अनुसूची में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा, जो भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी इसमें ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर वो प्रदेश के हित में चाहती है उसको नवी अनुसूची में शामिल कराने के लिए, वो भाजपा भी प्रयास करेगी, निश्चित रूप से करेगी, क्योंकि वो समर्थन में है इसके। तो ये जो है, अगर राजनीति का प्रभाव होगा इसके अंदर में, कहीं ना कहीं राजनीति का फुट होगा जैसा कि आरोप लग रहा है, तो निश्चित रूप से कहीं राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के पास न भेजे और लंबित कर दे मामले को। ये दो तीन चीजें हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि साइन यहीं पर होगा और ये लागू हो जाएगा, आरक्षण मिलने लगेगा और कोर्ट में केस चलता रहे, कोर्ट में कोई फैसला आ जाए उसके पहले नवी अनुसूची में शामिल करने के लिए सारे लोग मिलकर के अगर केंद्र सरकार पर दबाव बनाएंगे। विमल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं 10 सेकंड में कंक्लूड कीजिए सर। विमल जी, ये बाबूलाल जी ने नवी अनुसूची की बात उठाई, मैं ये कहना चाहता हूँ दूसरे प्रदेशों में जहाँ 70%, 72%, 73% आरक्षण है, क्या उनको नवी अनुसूची में शामिल करने के बाद किया गया? ये इस प्रकार की बात जो है, ये भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के, आप अपने दम पे अपने हिम्मत पे लेके आइए। यदि आप तमिलनाडु में और दूसरे प्रदेशों में जहाँ 72% है, क्या वो नवी अनुसूची में लागू होने के बाद, शामिल होने के बाद किए गए? नहीं, वो प्रदेशों ने अपने अधिकार के साथ अपनी लड़ाई लड़ते हुए अपने आरक्षण को लागू किया प्रशासनिक कमेटियों ने वहाँ पर। ठीक है, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखना ये होगा कि राज्यपाल कब इस बिल पर हस्ताक्षर करेगी और ये कानून का रूप लेगा। लेकिन लोगों को परेशानी हो रही है, बच्चों के एडमिशन्स नहीं हो पा रहे हैं, भर्तियां नहीं हो पा रही है, क्योंकि शून्य स्थिति हो गई है आरक्षण की। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।